नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। राहत सामग्री लेकर ट्रक रवाना, राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। जुगाड़ पर टिकी है जिंदगी, बाढ़ में भी सरकार बेखबर। राजद से आलम का मोहभंग, थामा लोजपा का दामन। कुख्यात तौकत गिरफ्तार, भेजा गया सलाखों के पीछे। अब खबरें विस्तार से। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार द्वारा बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए आज राहत सामग्री भेजी गई। राज्यपाल फागुन चौहान ने बाढ़ राहत के साथ 15 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। राजभवन मुख्य द्वार के सामने से ट्रकों को रवाना किया गया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित एक कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार ब्रांच के चेयरमैन डॉक्टर बीवी सिन्हा, राज्यपाल के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद तथा अन्य लोग राजभवन मुख्य द्वार के सामने उपस्थित थे। खगड़िया जिला को भी हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। लोगों की उपेक्षा हुई तो खुद ही जीना सीख लिया। जुगाड़ के सहारे जीवन को पटरी पर लाने की कवायद हादसा को निमंत्रण जैसा हो सकता है। प्रशासनिक अमला सामान्य दिनों में तो इलाके की ओर आता ही नहीं, भला इस बाढ़ के समय जान जोखिम डालने की जहमत क्यों मोल ले। जिले के बलुआही बस स्टैंड के रिंग बांध के पास लगभग 300 घर है। यहाँ तक बूढ़ी गंडक नदी का पानी फैल गया है। करीब 10 फीट बाढ़ में बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर आर पार करते हैं। रात हो या दिन, हर समय एक डर बना रहता है। आप भी देखें कि किस तरह नदी में ट्यूब जुगाड़, 3 जार जैसे रस्सी के सहारे उतरने के काम में लाया जाता है। पार से उस पार तक एक पतली नुमा रस्सी बंधी हुई है, जिसे पकड़कर आर पार होते हैं लोग। रस्सी टूटते ही खेल खत्म। तकलीफ देह बात यह है कि समीप के NH 31 होकर ही हाकिम तथा जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, लेकिन नतीजा 0। छोटा छोटा सर बच्चा है मेरा लोग को, यही लाश आता आता आगमन चलता है, रस्सी से पास करते हैं। 3 मरत पानी है, दरिया में रस्सी टूट जाएगा, हम बाल बच्चा डूब जाएंगे। हाँ, बच्चा भी मेरा डूब गया, कल भी बच्चा भी डूब गया। हाँ, किस तरह से हम बच्चा मिला, जिसको हिलने आता है वो लोग होल के निकाल लिया है। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से यह मांग रहे हैं, हमको रास्ता चाहिए, रोड चाहिए, जमीन चाहिए, कुछ साधन चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा कैदी नंबर 3351, जो कि बिहार और झारखंड की चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद हैं, को अघोषित राजकीय अतिथि मानकर निदेशक रांची का बंगला दिया गया है।
सवाल स्वाभाविक है कि कोरोना संक्रमण का खतरा देखकर झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन रिम्स रांची के कैदी वार्ड में 13 और कैदी इलाजरत थे, तो उनकी सूद क्यों नहीं ली गई? तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि झारखंड सरकार ने निदेशक के नाम पट्टिका को मिटा दिया है। अब सवाल यह है कि झारखंड सरकार आखिर कब तक बाकी इलाज कैदियों की सूद लेगी? पढ़ाई करने की ललक हो तो उम्र या पद कभी स्पीड ब्रेकर नहीं बन सकती। जी हां, इस बात को सत्य कर दिखाया है झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने। उनके कदम की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। शिक्षा को लेकर एक बेहतर संदेश देने के लिए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो के देवी महतो स्मारक इंटर महाविद्यालय में 11वीं में एडमिशन लिया। आम छात्रों की तरह लाइन में खड़े होकर शिक्षा मंत्री का दाखिला लेना आज चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ आम जनता के बीच मंत्री महतो ने अपनी आस्था बढ़ गई है। देखना क्या? हाँ, इधर सीधा दिखाइए। खाली थोड़ी है। राजद युवा प्रकोष्ठ के शहनवाज आलम का लालटेन से मोहभंग हो गया है। वे अब लोजपा में शामिल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ही उन्होंने राजद से इस्तीफा दिया है और अब वे अपने सहयोगियों के साथ लोजपा में शामिल हो गए हैं। रामविलास पासवान एवं चिराग पासवान की नीतियों के प्रति उन्होंने आस्था व्यक्त की है। शहनवाज आलम ने कहा है कि मैंने राजद छोड़कर फिर से अपने घर में वापसी की है। के समर्थन में एक उत्साह है, ये उसी का परिणाम है कि शहनवाज आलम 5 साल पहले लोक जनशक्ति पार्टी में ये माइनॉरिटी सेल में हुआ करते थे, लेकिन पिछले 5 साल पहले इन्होंने हम लोगों के साथ छोड़कर फिर राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे। लेकिन जैसे ही ये बीच में जब हम लोगों के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की यात्रा प्रारंभ हुई और चिराग पासवान जी को जो बिहार में जनसमर्थन प्राप्त हुआ, तो इनको लगा कि पुराने घर में फिर हमको आना चाहिए। और हमने कहा भी इनको दूरभाष पर कि सुबह का भूला शाम में अगर घर वापस आता है तो उसका स्वागत है। और यकीनी तौर पर यह इस बात का सबूत है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो बिहार के सपने सजोए हैं, आज शहनवाज जी के आने से हम सीमांचल में वो मजबूती का एहसास करते हैं। और हमें इस बात का यकीन है कि शहनवाज आलम साहब पार्टी में फिर उसी ऊर्जा के साथ तन मन धन से काम करते रहेंगे। हम इनका बहुत बहुत बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अभिनंदन करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत हत्या के मामले में जहां नित्य नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जहां महाराष्ट्र सरकार बिहार सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि उन्हें 0 FIR दर्ज कर महाराष्ट्र भेजना चाहिए था, वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के कहने पर बिहार सरकार द्वारा दर्ज की गई FIR को बिहार सरकार द्वारा CBI को सौंपे जाने के बाद यह गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया। और ऐसे में एक नया बयान आया है कि बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने बयान देते हुए कहा है कि मुंबई के मेयर और CBI को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि BMC ने IPS विनय तिवारी को जानबूझकर क्वारंटाइन किया ताकि बिहार पुलिस वास्तविक तथ्यों तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संजय रावत रिया से मिलकर सुशांत की सेलेक्टिव डिटेल लिंक कर रहे हैं ताकि संजय रावत द्वारा सुशांत के परिवार पर लगाए गए आरोप को तथ्यहीन करार दिया। साथियों ने यह भी आरोप लगाया कि शिवसेना सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत से जुड़ी सभी राज जानती है और यही कारण है कि CBI जांच से महाराष्ट्र सरकार घबराई हुई है। उन्होंने सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया। साथ ही बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की भी मांग की कर एक नई बहस छेड़ दी है। अभी सुने कि क्या कहा BJP प्रवक्ता निखिल आनंद ने। मुंबई के मेयर ने खुल्लम खुल्ला CBI को धमकी दिया है कि उनके अफसरों को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटाइन कर लिया जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया है कि BMC ने जानबूझकर IPS विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया था। हास्यास्पद तो यह है कि रिया के साथ मिलकर संजय राउत शिवसेना प्रवक्ता फैमिली डिटेल्स सेलेक्टिवली लीक कर रहे हैं। उनका ये आरोप कि सुशांत के पिताजी ने दूसरी शादी की थी, सुशांत के मामा और चाचा ने इसका खंडन कर दिया है। अब तो इससे लगता है कि शिवसेना के लोग CBI जांच से बिल्कुल बहदवास हैं, घबराए हुए हैं। और अगर संजय राउत को शिवसेना के लोगों को इतनी ही जानकारी है तो CBI को चाहिए कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे का नार्को एनालिसिस टेस्ट करा ले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे रहस्य से पर्दा खुल जाएगा। ये बात अब स्पष्ट हो गया है कि मुंबई पुलिस के खास लोगों को, महाराष्ट्र सरकार के खास लोगों को सुशांत से संबंधित, उसकी संदेहास्पद मृत्यु से संबंधित सारी जानकारियां हैं और कहीं ना कहीं मुंबई की पुलिस उस पर पर्देदारी कर रही है, सबूतों को मिटा रही है, तथ्यों से छेड़छाड़। यही दूसरी ओर बिहार के विपक्षी पार्टी RJD के नेता और प्रवक्ता आलोक मेहता ने भी सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत और इस पर आए राजनीतिक भूचाल पर अपनी राय रखी और राजनीतिक पार्टियों से इस मामले पर राजनीति न करे का आग्रह करते हुए आलोक मेहता ने RJD को सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले की CBI जांच कराने की मांग करने वाली पहली पार्टी कहते हुए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को न्याय मिले इसकी वकालत की है। आइए आपको सुनाते हैं RJD प्रवक्ता आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा। कि मैं दोनों सरकारों के किसी भी उस तरह के इंटेंशन जिस पर राजनीति, उसको हम लोग खारिज करते हैं और हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, हमारे नेता चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार परिजनों के साथ न्याय हो और उस घटना को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए उनको मतलब उसका उद्भेदन हो और उस पर जो दोषी हो। संजय रावत ये भी कह रहे हैं मुंबई पुलिस काबिल पुलिस मानी जाती है जबकि बिहार पुलिस पर निसंदेह करे। हम लोग कोई कंपैरिजन करने के लिए नहीं बैठे हुए। किसी भी सरकार किसी भी पुलिस, जैसे बिहार की पुलिस की नहीं हो सका, किसी कारण से नहीं हो, तो अब नहीं हुआ तो हम ये मान सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं किसी तरह का भेदभाव राजनीति का शिकार हो रहा है, इसीलिए तो उसको CBI में देने की मांग की। और CBI में गया तो हम लोग की इच्छा है, हम लोग की मंशा है कि उनके साथ जस्टिस मिले, हम लोग उसकी राजनीति में शामिल। वहीं इस मामले पर बिहार की राजनीतिक पार्टी हम के प्रवक्ता
दानिश रिजवान ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मामले की जांच करने गई पुलिस को क्वारंटाइन किए जाने और सीबीआई जांच में आनाकानी करने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने संजय रावत और मुंबई के मेयर सहित महाराष्ट्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो रवैया महाराष्ट्र सरकार अपना रही है वही रवैया अगर बिहार सरकार या बिहार पुलिस भी अपनाएगी तो हालात बद से बदतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान से चलता है, न कि मुंबई सरकार और उनके द्वारा निर्मित कानून से चलता है। आइए आप भी सुने क्या कुछ कहा हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने। देखिए, मुंबई के मेयर और शिवसेना के नेता संजय रावत को इस चीज को समझना होगा कि महाराष्ट्र भारत का एक अंग है, ना कि अपने आप में एक देश है। उनका कानून पूरे देश में लागू नहीं होता है, जबकि पूरे देश का कानून महाराष्ट्र और बिहार हर जगह लागू होता है। इसलिए जो तानाशाहपूर्ण रवैया अपना रही है शिवसेना और मुंबई की मेयर, उनसे अनुरोध है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून को माने, और अगर बिहार पुलिस या सीबीआई जांच के लिए जाता है तो उनको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करे। नहीं तो अगर ऐसा होगा तो बिहार में अगर मुंबई पुलिस जांच के लिए आएगी और हम उनको अगर क्वारंटाइन करने लगे ना, तब उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए सुशांत मामले में किसी भी तरह के इस दोहरे चरित्र से महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र का नगर निगम, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बचने की कोशिश करे, नहीं तो हालात पद से बदतर हो जाएंगे, संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। बिहार के सितारे सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय हत्या के बाद जांच पड़ताल में बाधा कर रही महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के विरोध में आज लोजपा ने राजधानी में भैंस पर बैठकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। लोजपा ने बिहार पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लोजपा युवा नेता ने तीखे स्वर में कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और वहां का पूरा प्रशासन बिहार पुलिस को जांच में असहयोग कर रहा है वह निंदनीय है। युवा लोजपा नेता ने प्रधानमंत्री से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं रहे, वो अमर हो गए हैं। प्रधानमंत्री यमदूत की सवारी हम लोग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर सीबीआई से जांच कराने की देश के प्रधानमंत्री से यह लोक जनशक्ति पार्टी की मांग है। लेते हुए इस पूरे मामले को जिस तरीके से उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के द्वारा सीबीआई बिहार पुलिस को रोका गया, खुलासा करेगी तब जाकर सीबीआई को क्वारंटाइन की बात कही जा रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं सुनता, इसकी जवाब हमारे यमदूत देने जा रहे हैं जिसका प्रदर्शन हम लोग आज कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है। इस मामले पर सीबीआई जांच हो या नहीं, इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार से अभी तक की जांच की रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा कि मामले की जांच सीबीआई करेगी या नहीं। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। बस हो कर देख रहा पर था ना कोई सहारा, हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ, रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये, पशुओं का है संतुलित आहार, परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया, सोना गोल्ड ही लाना, बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना।
पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ, खूब कमाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रालोसपा प्रवक्ता अभिषेक झा ने बिहार सरकार पर बाढ़ एवं कोरोना से लड़ाई के बजाय चुनाव के मद्देनजर हो रहे विभिन्न उद्घाटन एवं शिलान्यास को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि ऐसा न हो कि आनन फानन में हो रहे उद्घाटन का परिणाम 70 घाट पुल जैसा हो जाए। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा अभिषेक झा ने। बिहार में चुनाव से पहले हजारों करोड़ की परियोजनाओं का आनन फानन में शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। इतने आनन फानन में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी स्थिति 70 घाट पुल जैसी ही हो जाए और बिहार सरकार की फिर से थू। लेकिन इन लोगों को फर्क ही क्या पड़ेगा। इन लोगों के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है, कोई मुद्दा है, तो वह है चुनाव समय पर होने चाहिए। इनका फायदा कैसे हो पाए, यही इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। हम सब जानते हैं कि पहले ही बिहार पूरे देश में बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। आप किसी भी इंडेक्स की बात कर लें, नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर लें, हर स्तर पर बिहार पहले से ही इतना पिछड़ा हुआ था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबकी स्थिति बिहार में कितनी बदतर पहले से ही थी। और इन सब के बीच अब बिहार के ऊपर फिर से दोहरी मार लग रही है। जब बाकी जगहों पर कोरोना के जो मामले हैं वो कुछ घट भी रहे हैं, बिहार में लगातार ये मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। विपक्ष के इतने दबाव के बाद कोरोना की टेस्टिंग कुछ बढ़ी भी है, लेकिन अब भी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बदहाल है। 60 लाख लोग लगभग बाढ़ से इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं, जनजीवन सब अस्त व्यस्त हो चुका है और इतने सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस दोहरी मार के बीच बिहार सरकार की प्रायोरिटी अभी भी चुनाव और उनका फायदा ही। कहने को बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, पर सड़कों पर मनमाने तरीके से गाड़ी चलाने वालों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है और आए दिन ऐसे ही मानियों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही मनमानी का परिणाम आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के रूप में सामने आती है। और ऐसा ही एक मामला कोतवाली थाना के अंतर्गत मौर्या लोक इलाहाबाद बैंक के समीप घटी, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक को कुचल दिया जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों युवकों की हालात गंभीर बनी हुई है, जिन्हें गार्डिनर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंच पुलिस घटना के कारणों के बारे में जानकारी ले रही है। खबर गया से है। इमामगंज पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में वांछित अपराधी शौकत अली खान को गया पुलिस ने धर पकड़ने में कामयाब रही। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शौकत अली ससुराल कोठी थाना अंतर्गत जबरी चक में छिपा है। पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशानुसार इमामगंज पुलिस अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित हुई एवं संयुक्त छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में शौकत अली भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। शौकत अली के पास से एक लोडेड पिस्टल, एक लोडेड कट्टा सहित 30 जिंदा कारतूस, एटीएम कार्ड, कई नामों के जाली कागजात बरामद हुई है। शौकत अली के विरुद्ध विभिन्न थानों में विभिन्न मामले वांछित है। इस संदर्भ में सिटी एसपी राकेश कुमार ने बताया कि इमामगंज पुलिस अनुमंडल ने कुख्यात अपराधी शौकत अली को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व में जेल जा चुका है एवं कई संगीन मामलों में वांछित था। गुप्त सूचना मिली थी, ये शौकत अली है जो कि इमामगंज अनुमंडल के पूरे क्षेत्र में कुख्यात अपराधी है। पूर्व कई सारे कांडों में जेल जा चुका है। इसके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी के कई सारे मामले दर्ज हैं। तो अभी सूचना भी कई सारे कांडों में फरार चल रहा था। अभी आम साठ के केसेस भी इसके ऊपर हैं और कुछ सूचना मिली थी कि अभी ये इस इलाके में भ्रमणशील है और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहाँ के कुछ CSP संचालकों को लूटने का एवं गया कोठी रूट में जो कैश वैन चलती हैं ATMs की और बैंकों में जो कैश जाती हैं उसको लूटने के प्लानिंग थी इसकी। इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में इसकी सूचना थी कि इसी
टाइम में ये लोग इन्होंने रेकी कर रहे थे यहाँ पर जो भी कैश वैंस चलती हैं, और साथ ही जो CSP संचालक में बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो भी कैश लेकर ट्रैवल करते हैं उनकी भी इन्होंने रेकी कर रखी थी। और इसी के उद्देश्य से इन्होंने काफ़ी मात्रा में ये गोलियाँ वैध रूप से शस्त्र और कारतूस इन्होंने जमा किए थे, प्राप्त किए थे, जिसमें एक ये पिस्टल है, कट्टा है, इन सबके साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक ये कंट्री मेड पिस्टल है, एक देसी कट्टा है, 22 बोर की जिंदा गोलियां हैं, 8.9 mm की जिंदा गोलियां हैं, 9 mm नहीं है, 7.65 mm की है गोलियां, 2 मोबाइल फ़ोन हैं, 2 मैगजीन की पिस्टल्स हैं, एक अपाची मोटरसाइकिल है, एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जो जिस पर किसने अपना फेक नाम, गलत नाम देकर इसने बनवाया है, तो इस पर धोखाधड़ी करके इसने गलत तरीके से एक ड्राइविंग लाइसेंस भी प्राप्त किया है, वो ATM कार्ड एवं हमने सामान बरामद किया गया है। इसके ऊपर कोठी थाना में कांड संख्या 3212, इमामगंज में 99-17, इमामगंज थाना के 126-17 और 144-19, सभी जान से ये हत्या करने का प्रयास है मामले से सेंस में। ये पूर्व में तिहाड़ जेल में भी दिल्ली पुलिस के द्वारा वहाँ पर सनलाइट कॉलोनी थाने के द्वारा गिरफ्तार करके जेल गया था और काफ़ी दिन तिहाड़ जेल में भी रहा था, वहाँ से फरार अभी ये बेल पर आया था और उसकी बेल कंडीशन भी जंप किया है, तो वहाँ से भी ये उसका बेल टूट चुकी है, हमने पता किया है। और साथ ही यहाँ से ये चतरा और झारखंड के अन्य राज्यों में भी ये भ्रमण सक्रिय था, वहाँ पर भी ये क्राइम करता था और वहाँ पर कई सारी घटनाएँ हुई थी जो वहाँ से घटनाएँ करके या फिर यहाँ पर इमामगंज में आकर छिप जाता था, जिसके वजह से कई सारे कांड डिटेक्ट नहीं हो पाते थे और गिरफ्तारी भी इसकी संभव नहीं हो पाती थी। तो हमने सारी सूचनाएं जब मिली थी तो SDPO इमामगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें SDPO इमामगंज और प्रशिक्षु DSP राजीव हैं, साथ ही CIO इमामगंज भी हैं, ये सभी इनको निर्देशित किया गया था, इन्होंने रत्नशील रहकर अच्छी कार्रवाई की, सभी शस्त्र बल का छापामारी की और इसको एक सारे हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी गिरफ्तारी के साथ इस एरिया में जो क्राइम है उस पर कंट्रोल हुआ है, साथ ही कई सारे अपराध होने वाले थे जिस पर इनको रोका गया है, अन्यथा कई सारे गंभीर अपराधों को अंजाम दे सकता था, और साथ ही कई सारे पुराने केसेस भी हैं जिनका निवेदन हुआ है। और साथ में हमने झारखंड के आसपास के जिलों को भी इन्फॉर्म किया है कि वहाँ भी अगर किस कांड में वांछित है तो वो लोग आएंगे, इसको रिमांड करेंगे। कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? इसे गिरफ्तारी कोठी थाना अंतर्गत। इसके और कई तरह जुड़े हुए इसमें कई और तार जुड़े हुए हैं, इसमें कई सारे जुड़े हैं, इसके गैंग के और भी सदस्यों का हमें नाम पता मालूम चला है, और साथ ही कुछ सफ़ेदपोश लोग भी हैं जिनका जो इसको अपरोक्ष रूप से संरक्षण भी देते थे, उनका भी नाम पता चला है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन पर भी हमारे लीगल एक्शन हम लेंगे, साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और ये कई बार यहाँ पर क्राइम करके कलकत्ता भाग जाता था और फिर वहाँ पर कई दिन तक छुपा रहता था, फिर उसके बाद फिर वापस आकर उस टाइम करके फिर निकल जाता था। इसको कुछ दिन पहले सानिया अली को गिरफ्तार किया, उनका साथ रिलेशन भी देख रहे शौकत खान, वो दूसरे नहीं वो दूसरे, इसमें हम लोग इसको देख रहे हैं जो साल पहले सर यहाँ पर एक गोली चली थी दवा दुकान पर, हाँ उसमें ये उसमें ये कई सारे हत्या के केसेस इस ऊपर भी है, हत्या में भी है, मोती हत्याकांड, कई सारे लेवी की डिमांड भी होती थी वहाँ बाजार में, लेवी का डिमांड अब ये लोग करते हैं। यहाँ पर भी जो छोटे मोटे अपराधी हैं ये लोग, कई बार ऐसी घटनाएं हमें प्रकाश में आई हैं कि नक्सली के नाम पे लेवी की मांग करते हैं, लेकिन होते हैं लोग यहाँ के स्थानीय छोटे मोटे अपराधी होते हैं जो सोचते हैं कि हम नक्सली का नाम लेकर हमें कुछ जो भी लेवी मिल जाए, ये भी इन्होंने ऐसा ही काम किया है। ये सभी प्रकार के अपराधों में संलिप्त है, काफ़ी कुख्यात है, और इसी गिरफ्तारी से यहाँ पर काफ़ी सारे क्राइम स्टेट हुए हैं और कंट्रोल भी हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF News। नमस्कार।